अलवर के थानागाजी गैंगरेप मामले में सभी आरोपियों की अब आखिरकार कोर्ट में पेशी हो चुकी है। पुलिस जाब्ते के साथ मौजूदगी में आरोपियों को SC ST एक्ट में कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस की ओर से सभी 6 आरोपियों को चालान पेश करने के बाद ये उनकी तीसरी पेशी है। लोक अभियोजक कुलदीप जैन ने बताया कि इस मामले में पीड़िता के बयान के लिए न्यायालय ने 4 जून की तारीख तय की थी और इसी के अलावा एक आरोपी को कोर्ट में नाबालिग माना गया। अब बाल न्यायालय में नाबालिग आरोपी की सुनवाई होगी। आज मुलजिमान की तरफ से जो CD जब्त की गई थी, उनकी प्रति मांगी गई थी, उस बाबत आदेश में था, वो उनका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है और मुलजिम महेश को नाबालिग न्यायालय ने माना है, उसको जुवेनाइल घोषित किया है। वो वहाँ बाल संप्रेषण गृह में जाएगा और वहाँ की जो प्रक्रिया है वो फॉलो की जा रही है। अलवर में ही अलवर वो अब वो आदेश देंगे, वो बाल न्यायालय में पेश किया जाएगा, उसके बाद जैसी जेल से लेकर बाल न्यायालय में पेश किया जाएगा और चालान भी बाल न्यायालय में ही पेश किया जाएगा। और अब आगामी 4 तारीख की डेट लगाई है पीड़िता के बयान की।